हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th वाले स्टूडेंट को किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो स्किप मत करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह शेयर कर देना। गुड न्यूज आप सभी के लिए लेके आया हुआ हूँ। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको एक ऐसी न्यूज देता हूं अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की गई है आपके मार्क्स को लेके, क्योंकि अब क्या है कि आपको भी पता है कि डेफिनेटली आपके जो एग्जाम है वो डिपेंड करेगा आपके 10th 11th एंड 12th क्लास की जो भी मार्क्स आए उसके ओवरऑल पे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दो एडवोकेट ने ये PIL फाइल करी है CBSE के रिगार्डिंग कि भाई आपको पहले रैशनल अपलोड करने होंगे। रैशनल मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हर स्टूडेंट से लिए निकाला जाएगा कि भाई ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट है, आपको इसके बिहाफ पे इतने मार्क्स दिए जाएंगे पर सब्जेक्ट में। और इससे ये फायदा होगा कि आप अपना रिजल्ट वक्त से पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो। अभी बात चल रही है कि जो आपका रिजल्ट है वो 31st of July को आ सकता है, लेकिन ये कुछ दिन पहले ही निकाल दिया जाएगा। भाई इस तरीके से आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आपके 10th के मार्क्स इस हिसाब से लगे आपके 11th के एंड आपके 12th में। सो ये पिटीशन फाइल कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट इसे कब हरी झंडी देता है। अगर इसको हरी झंडी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है आप सभी का। और फ्रेंड, इससे एक बहुत अच्छी चीज आपको मिल गई है, आपको एक फैसिलिटी मिल गई। मैं आपको बताता हूँ, इवन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो अपने मार्क्स को लेके 10th में या 11th में या जो भी 12th में है अपने इंटरनल्स को लेके, देन आप एक एक्शन ले सकते हो CBSE के लिए और वहाँ पे कुछ एक अप्लाई करने का भी ऑप्शन आएगा करेक्शन का, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स कम आएंगे और वो री एग्जामिनेशन देने से भी बच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि री एग्जामिनेशन भी ना हो, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में अंदर री एग्जामिनेशन कराना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स की लाइफ को लेके। सो इसीलिए एडवोकेट ने इस पिटीशन को फाइल किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और जल्दी से दिल्ली हाई कोर्ट का कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा इसके लिए। और मैं तो यही चाहता हूँ यार, इसको हरी झंडी मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा डिसीजन है स्टूडेंट्स को लिए। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। इंडिया में तो शायद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको 10th 11th एंड 12th के बेस पे मार्क्स मिल रहे हैं आपको क्लास 12th के लिए। सो बहुत बड़ा डिसीजन है ये, और ये फायदा देने वाला है, अपन को टेंशन मत लेना। अगर आप इसको किसी भी तरह सपोर्ट कर पाओ तो डेफिनेटली करना, मैं तो आपको यही गाइड करूंगा, चाहे ट्विटर पे करना या फिर किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करो तो इस चीज को सपोर्ट करना। और यार वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ डेफिनेटली ये होना चाहिए, हो सकता है हमारी आवाज आगे तक चली जाए। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का सपोर्ट जब दिखता है सो इस चीज को ज्यादा अच्छा माना जाता है और उस चीज को ज्यादा फॉलो किया जाता है। सो कॉमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और ये अपडेट थी आप सभी के लिए कि आपको CBSE के रिजल्ट से पहले कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको CBSE की वेबसाइट पे। CBSE की वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, CBSE.NIC.in, इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा आपका रिजल्ट, जो भी रैशनल आपका मार्क्स अपलोड होंगे, किस तरीके से आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सो आप वहाँ पे जाके चेक कर पाएंगे और मैं आपको अपडेट भी करूँगा CBSE के लिए कि भाई किस तरीके से आपके मार्क्स आ गए हैं और आप अपडेट हो जाओगे। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। और बाकी ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह और भी कॉलेज की सारी अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, लाइक कीजिएगा। और ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।